ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਾ ਦੇਰੇ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਜਬ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ? जो फैसला आया हम संतुष्ट है। काफ़ी हमारे जो बुजुर्गों ने इतने लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे, हमने एक लौते बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे थे मेरे दादाजी, आज उनको इंसाफ मिला है। क्या मनोस्थिति क्या रही इतने साल आपकी, क्योंकि बहुत प्रेशर रहा होगा फैमिली के ऊपर भी, इतने बड़ा आप केस लड़ रहे थे, तो कैसी स्थिति रही? फैमिली के फियर में तो रहती है सर, देखो जितना डर तो रहता है, बना ही रहता है। हाँ जी, आज फैसला है, संतुष्ट है? हाँ जी संतुष्ट है। क्या राम रहीम के समर्थकों की तरफ से आपके साथ कभी संपर्क करने की कोशिश करी गई? नहीं, उस मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक और जड़ा केस अभी है राम रहीम के ऊपर जो कास्ट्रेशन वाला, क्या उसके गवाह जो हैं, क्या उन्होंने कभी कांटेक्ट किए या आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे कि लड़ाई पूरी लग? हाँ जरूर, अगर मुझे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा मैं उनसे कांटेक्ट जरूर करूंगा, उनको कहेंगे भी अच्छे से डट के इनका मुकाबला करें, भी डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। आज कोर्ट के अंदर आप भी मौजूद थे, कैसी राम रहीम की कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? डरा हुआ, सहमा हुआ था? हम सहमा हुआ तो था ही, डरा हुआ भी, अपना शर्मिंदगी महसूस की उसने। जलंधर फगवाड़ा हाईवे ते आज सवेरे दर्दनाक हादसा वापर गया। इस हादसे दौरान एक लड़की दी मौके ते ही मौत हो गई जबकि एक दी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना दी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है अते जिस च सड़क पार कर दियां लड़कियां नूं एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने टक्कर मार दिती। मृतक लड़की दी पहचान तनो वाली दी रहण वाली नवजोत कौर दे रूप विच हुई है। नवजोत हुडी दे शोरूम विच काम करदी सी। नवजोत अपनी सहेली दे नाल पैदल जा रही सी कि अचानक पुलिस मुलाजम दी रफ्तार कार ने दोवां नूं टक्कर मार दिती। इस घटना तो बाद रोस विच आए परिवार वालिया ने हाईवे नूं जाम करके धरना लगा दिता ते परिवार वालों इंसाफ दी मांग कीती जा रही है। परिवारक मैंबरां दा कहना है कि कार चालक खिलाफ FIR दर्ज कीती जावे अते उस नूं तुरंत गिरफ्तार कीता जावे। कुड़ी है ना काम ते आउंदी हुंदी सीगी, पुलिस दा मुलाजम है भाजी, उहदा स्टार लगे आ बंदे दे, उहदी ब्रीजा गड्डी दे विच कुड़ी वज्जी आ भाजी आउण भाजी, जिन्ने बंदे आए थे अज धरना लगना सीगा रेलवे दा, सारे भाजी ड्यूटी ते आ पुलिस मुलाजम, किसी ने यह हिम्मत नहीं की कुड़ी बजी भाजी उन्होंने जाके देखिए, यह बंदे ने पता कुड़ी जो मौक गई इन्हें देखा डेड हो गई, अपनी गड्डी लेके भज गया बंदा यह भाजी, यदा फर्ज बनता से कुड़ी देखिए, फिर इन्हें कुड़ी की इन्होंने लाश क्यों भेजी भाजी पोस्टमार्टम, इन्हों लाश भेजने का पता भाजी, यह नहीं पता भाजी देखना भी आ बंदे लड़की कितो दी रहन वाली सी? तेन वाली दी कुड़ी है यार, भाई सिस्टर है साडी। की नाम? नाम दा नवजोत कौर भाजी। किन्नी एज है ओदी? भाजी ओदी एज सीगी 22 साल जी। डेंगू अते मलेरिया बारे एक महत्वपूर्ण समीक्षा मीटिंग अज उप मुख्यमंत्री OP सोनी वल्लों प्रधानगी हेठ कीती गई है। इस मीटिंग दे विच कई वड्डे फैसले लए गए अते प्राइवेट हस्पतालां लई कई हदायतां जारी कीतियां गईयां। दस दईए कि सरकार ने पंजाब विच डेंगू अते मलेरिया दे मामलियां नूं रोकण लई सख्त कदम चुके ने। उन्हां ने प्राइवेट हस्पतालां नूं निर्देश जारी कीते अते कहा कि इह डेंगू दे टैसट लई 600 रुपए तों वध वसूली ना करन। इस दे नाल ही डेंगू दा टैसट सरकारी हस्पतालां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होवेगा। उसने राज अते जिला पद्धर ते कमेटियां दा गठन कीता। सारे विभागां विच गठित कमेटियां डेंगू दी रोकथाम लई जारी हदायतां दी पालना दी समीक्षा करनगियां। जानकारी लई तुहानू दस दईए कि इस वेले पंजाब विच डेंगू दे 8500 नवें मामले सामने आ चुके ने। सेहत मंत्री उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने एक उच्च पद्धरी मीटिंग दे बाद यह जानकारी साझी कीती है। हर तरह के अरेजमेंट जड़े ने सरकार वालों किए जा रहे हैं। सो जितों तक आज की मीटिंग का सवाल है,
इस मीटिंग एक जॉइंट सारे डिपार्टमेंटा की कमेटी जी 11-12 डिपार्टमेंट की कमेटी एक बनी है इस काम लिए। सो अज रिव्यू किया कि किसी तरह की कोई ढिल मठ तो नहीं। सो सारू अज पुछया सारे डिपार्टमेंटा ने जो जो अपना योगदान पाया इस बीमारी लिए बारे सारे अज पुछया इतने। सो नाल ही असी अज एक सैकुलर जरा जारी कर दिया। मैं सैकटर साहब को कहता कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी जड़िया कमेटिया वैसे साढ़े डिप्टी कमिश्नर साढ़े सिविल सर्जन प्रिंसीपल मैडिकल कॉलेज होर कारपोरेशन होर भी साढ़े जोड़े डिपार्टमेंट्स ने वो सारा कुछ वेख रहे डिस्ट्रिक्ट लैवल तो ही वेख रहे हैं। पर अज फिर भी असी एक सैकुलर जारी कर लगे हैं कि उत्ते भी सारे डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बने वो जाके सारे आप विजिट कर ता कि किसी तरह की कोई मुश्किल ना रहे। स्प्रे होवे फोकिंग होवे मेडिसिन लोगों नू मेरी है कि नहीं मेरे हस्पतालों की चैकिंग। सो मैं समझना ये सारिया चीज़ा जड़िया ने वो ता ही हो सकती ने जे सारे डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी समझन समझ भी रहे ने। अगे भी लड़ाई लड़ी है करोना की सारे ने मिल के हूँ ही असी सारे ने ये जो डेंगू के केस आ रहे ने इस लड़ाई भी लड़न वाले ने लड़ने हैं सारे ने रल के सारिया टीम बना के ये लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। अपने दबंग रवैये दे कारण अक्सर सुर्खियां च रहन वाले भोआ विधानसभा सीट तो कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल दा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस विच ओ एडीसी पठानकोट नाल उलझदे विखाई दिंदे ने। जानकारी मुताबिक विधायक वलों ए नाराजगी इसलिए विखाई गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हां दे हलके जाण दा प्रोग्राम रद्द कर दिता सी जिस तो बाद विधायक अपना गुस्सा काबू ना कर सकिया ते एडीसी तो भी नाराज हो चले गए। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने आज गोल्डन एवेन्यू अमृतसर विखे शिरकत की। गोल्डन एवेन्यू विच उन्हां वल्लों लोकां दे बिजली बिल मुआफ करन लई एक कैंप लगाया गया। इस मौके उन्हां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ की। उन्हां कहा कि चन्नी बहुत ईमानदार मेहनती अते आम नेता ने जो लोकां दीआं मुश्किलां लोकां विच बैठ के सुनन वाले ने। उन्हां ने कहा कि बीती रात मुख्यमंत्री अते नवजोत सिंह सिद्धू विचकार होई मीटिंग दौरान विचार किया गया कि किवें बिजली खरीद समझौते रद्द किए जाते लोगों को बिजली सस्ती दी जा सके। इस दे लई काम करन वास्ते टीम लग गई है। सिद्धू साथ दी लड़ाई लोकां दे मुद्दियां नू लेके है। चन्नी साहब एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईमानदार डीसेंट लीडर है जिहड़े आम पब्लिक दे विच बैठ के प्रॉब्लम सुनने वाले हैं। मैनू लगता है हुण जिहड़े मंत्रालय जिहड़े भी लोग आए हैं इहो जिहे आए हैं जिहड़े सड़क ते कोई भी बंदा रोके तो उहदी गल सुनन नू तैयार है। सो कोशिश इस बारे ही रात नूं डिस्कशन हुई कि किवें पीपीएस कैंसल किए जान जिहड़े एडवोकेट जनरल है ते उहनां दी टीम है वो पूरी इस काम ते लग गई है भी इहदे किहड़े क्लॉज़ेस रहणगे क्योंकि असीं नहीं चाहते कि अज पीपीए तुसीं कैंसल कर दो कल नूं तुहाडे ते लीगल केस पै जाए दोबारा तो तुसीं 11 रुपए बिजली देनी पैणी फिर ओहदा कोई फायदा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ 13 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਮ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
संयुक्त किसान मोर्चे वालों लखीमपुर कटना के इंसाफ नूं लैके अज 6 घंटे लई रेलां रोकियां गईयां। किसानां वालों जगह जगह रेलवे ट्रैक ते धरने लगाए गए। रेलवे प्रशासन वालों भी एहतियात दे तौर ते रेल गड्डियां स्टेशनां ते ही रोक दित्तियां गईयां। इस दौरान रेल गड्डियां विच सफर कर रहे मुसाफरां नूं दिक्कतां दा सामना करना पिया। इस दे संबंध विच लुधियाना रेलवे स्टेशन ते रुकियां ट्रेनां दे मुसाफरां नाल गलबात की गई तां उन्हां दस्सिया कि रेल गड्डी रुकण दे नाल उन्हां नूं काफ़ी वड्डियां परेशानियां दा सामना करना पै रहा है। उन्होंने कहा कि किसान जथेबंदियों वालों दी गई रेल रोको की कॉल बारे उन्होंने जानकारी नहीं सी, इसलिए परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वालों पहला ही टिकट बुक करवाई गई सी, रेलवे वालों भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही मुसाफरा की सहूलत लई कोई इंतजाम किया गया है। ट्रैक जाम कर दिया गया, 4 बजे तक ट्रैक जाम रहेगा। कितनी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कब से यह ट्रेन खड़ी है? ट्रेन को खड़े हुए 1 घंटा हो गया है। धीरे धीरे हम लोग अमृतसर से आ रहे हैं, चंडीगढ़ जाना है हमको, लेकिन वो भी उनकी भी परेशानी है, इतने दिनों से अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई नहीं, खड़ी है तो खड़ी है, परेशान। 4 बजे तक ट्रेन ऐसे ही खड़ी रहेगी? 4 बजे तक उनका टाइम है, ट्रैक सभी जाम करके रखेंगे, 4 बजे के बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो क्या लगता है कि बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो हो ही रही है, बच्चों के साथ मुश्किल हो रही है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, अब इन्होंने वहाँ पर कर दिया है वो आंदोलन, कहते हैं पहले से ही अनाउंसमेंट थी, ये तो हमें पता नहीं था। पर मैं तो इस जलंधर सिटी से चढ़ा हूँ। अच्छा। मुझे जा रहा था अम्बाला से आगे ट्रेन पकड़ना था। ठीक है, तो ये गाड़ी लेट करके हमारे सर आगे का भी प्रोग्राम सर खराब हो रहा है। कितने घंटे हो गए यहाँ पे ट्रेन को खड़े हुए? अभी तो 2 घंटे हो गया हम यहीं बैठे हैं। 2 घंटे? हाँ, अब 4 बजे तक बता रहे हैं। तो लगता है कि जो समय है, यात्रा का समय आपका 2 घंटे में, आपने अम्बाला पहुंच जाना था, अब आपको शाम को 6 बज जाएंगे पहुंचते। तो आगे का मुझे भी दूसरी गाड़ी में मुझे जाना था इलाहाबाद, वो गाड़ी मेरी मिस होगी। अच्छा, आगे तो, हाँ जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें, तो मुश्किल हो रही है। हाँ जी, तो आपको पता नहीं था कि आज भारत बंद की कॉल है? इसमें हमको तो पता नहीं था, हम तो पहले से रिजर्व किए थे। मुंबई से वापस मुंबई जा रहे हैं। तो यहाँ पे लुधियाना रेलवे स्टेशन पे कितनी देर होगी ट्रेन खड़े हुए? 1 घंटा हो गया। तो आपने मुंबई जाना था आगे, तो अब 4 बजे तक किसानों ने ट्रैक जाम किए हुए हैं, 4 बजे के बाद ट्रेन चलेगी, तो कितनी मुश्किल हो रही है? कोई सुविधा मतलब कि प्रशासन ने, रेलवे प्रशासन ने आपको दी है? नहीं, अभी तक कुछ सूचना के लिए इंतजार है, तो कुछ आइडिया नहीं है, अभी हम लोग को वेटिंग कर रहा है। तो मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो पड़ेगा ना। माता वैष्णो देवी कहाँ से आए और हम कोटा जा रहे हैं, पर हमारे को एक ट्रेन की वजह से हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है और हमको कुछ परेशानी हो रही है। हमारे पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, टैक्सी का कोई साधन नहीं है, पर अब इंतजार करें। किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, बहुत परेशान है सभी। परेशानी हो रही है मतलब कि जैसे किसान भारत बंद की कॉल दे देते हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर देते हैं या हाईवे जाम हो जाती है, उससे आम लोगों को परेशानी होती है? होती है, आने जाने में कुछ परेशानी होती है। अभी ट्रेन में हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसे हुए कोई नहीं, पर आगे के लिए कोई साधन भी नहीं है टैक्सी का। ये सन हूँ तक दिया कुछ खास खबर, वधेरे जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल, ते जांदे जांदे एक नज़र पा लेने आज दिया कुछ खास खबर ते। रणजीत सिंह कतल मामले विच डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम अते 4 होर दोषियों नूं मिली उम्र कैद दी सज़ा, 19 साल बाद आया फैसला। सीएम चन्नी दे सामने ही विधायक जोगिंदर पाल पठानकोट दे ADC नाल उलझे, वीडियो आई सामने। डेंगू दे वध रहे मामलों नूं वेखदिया उप मुख्यमंत्री सोनी ने ले वड्डे फैसले, अस्पतालां लई कीतियां हदायतां जारी।